ट्रॉफी का ये जबरदस्त कारवां देखने को मिलता हुआ इस समय, और ये माहौल देखिए इस समय असलम शेख इस टीम की एक अहम भूमिका अदा करते हैं। देखना होगा यहां से लेग स्टंप से बाहर वाइड का इशारा, जानो खान शाहरुख खान की याद दिलाते हैं ये, और जिस अंदाज में समय वाइड का इशारा दिया इन्होंने वो भी दर्शनीय हुआ करता है। बड़ा मुकाबला पंचम गणेश, पिछली बार की फाइनल खेली थी टीम, माहौल खेल के लिए कितना रोमांचित करने वाला है समय। फिरोजिया ट्रॉफी, अनिल फिरोजिया जी के संरक्षक इस टूर्नामेंट के हमारे, उज्जैन को एक और गौरव मिला है समय। इस बार गेंद की लाइन में आई खेला इस समय, फॉलो थ्रू में गेंद फील्ड की गई, गेंद जब तक फील्ड हो कोई रन बनाने का अवसर नहीं, स्कोरबोर्ड पे अभी भी दो रन। पंचम गणेश ने पिछले वर्ष कई नामचीन टीमों को भी शिकस्त दी थी उन्होंने, बहुत अच्छी गेंदबाजी प्रतीक के, मिड ऑफ पे खेला चीते की चाल इस समय, दोनों बल्लेबाजों की चपलता बिजली की मानिंद है। एक बार फिर से मैं विकास आप सबका, हमारे साथी अरुण वर्मा जी आयोजन की पूरी टीम के साथ हार्दिक अभिवादन उज्जैन वासियों का। ये बाबा महाकाल की पावन धरती है, ये धरती है इस समय कालिदास की, ये धरती है बात करें इतिहास जिसका गवाही इतना समृद्ध रहा है विक्रमादित्य, और इतना ही नहीं ये धरती जहां भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा हुई हो, वो खेल के मानचित्र पे अपने रोमांच की दास्तान को बयां करता हुआ। एक बार फिर से मैं विकास आप सबका हार्दिक अभिवादन इस समय। स्कोरबोर्ड पे नजर डाले, चार रन इस समय पारी का ये इस वक्त पहला ओवर प्रगति पे। दो बड़ी टीमें खेल रही है, एक तरफ बात करें होम टीम है पंचम गणेश का मुकाबला हो रहा है पैराडाइज इंदौर, दोनों मालवा क्षेत्र की बड़ी टीमें, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पे है चार रन, रोमांचक करने वाले क्षण। फिलहाल देखना होगा इस समय फिरोजिया ट्रॉफी मैदान में रोमांच के तत्व समाहित है इस समय। अनिल फिरोजिया जी की इच्छा शक्ति देखिए, स्वर्गीय श्री भूरेलाल फिरोजिया जी के स्मृति में यह आयोजन, हाल ही में सांसद ट्रॉफी भी हुई थी, और अब देखिए यह बहुत ही खूबसूरती से फील्ड किया असलम शेख ने पैरों के सहारे, लंबे कद के खिलाड़ी है मैदान के किसी भी हिस्से में रहे अपनी पहचान करते हैं अपनी खूबसूरती से। डीजे वाले भाई भी अपनी फॉर्म में हैं। फिलहाल स्कोरबोर्ड पे नजर डाले, पांच रन इस सिंगल के सहारे। संजय देसाई बॉलिंग कमान पे है, बहुत आगे आ गए थे बल्लेबाज इस वक्त, लेकिन वक्त रहते क्रीज में आनंद और सागर पारी की शुरुआत करने आए हैं। आनंद धौलपुरे एक जाना पहचाना नाम है, और फिलहाल इस समय बहुत अच्छी शुरुआत है पंचम गणेश होम टीम की गेंदबाजी में। कमाल की बॉलिंग की नुमाइंदगी करा रहे दोनों ही गेंदबाज, पहले ओवर में जिस तरीके से
इस बार हल्की सी शॉट ऑफ द लेन, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ खेला, गेंद जब तक फील्ड की जाए एक रन के लिए। तन्नू ने गेंद को फील्ड किया इस समय। जबरदस्त माहौल है पंचम गणेश, ये वो टीम जिन्होंने सबका दिल जीता था पिछले सीजन। और हमारी आयोजन समिति असलम शेख, हमजद लाला, मोहन बाथम, नितेश बाथम, नितेश बाथम इंजरी की वजह से टीम में नहीं है, सुमेर पठान और तमाम शहनवाज भाई, पूरी युवा टीम का भी हार्दिक अभिवादन। खेला शॉट एक्स्ट्रा कवर की तरफ, रन आउट की गुंजाइश, लेकिन एक रन चुरा लिए दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन के सहारे 7 रन पारी के स्कोरबोर्ड पे। हमारे स्कोरर इस समय मनीष गर्ग, टेनिस क्रिकेट डॉट किन की पूरी टीम है मुंबई से। बहुत ही ब्लॉक होल में गेंद थी, बल्ले के निचले हिस्से से टकराई थी इस बार, फील्ड की गई कवर्स की दिशा में, और अगर डायरेक्ट हिट होती तो मुश्किल में पड़ जाते। बहुत अच्छी गेंदबाजी सुबह में, लगातार चेंज ऑफ पेस, अच्छी वेरिएशन। संजू बॉलिंग कमान पे है, पहला ओवर किया था अतीक ने, और अब संजू। पंचम गणेश ये वो टीम है बड़े दिग्गजों को भी शिकस्त देने की सलाहियत, कौशल, और इनके पास बेहतर खेल शैली है पावर प्ले के दूसरे ओवर में। इस बार गेंद खिलाड़ी है वो सौर, बहुत ही जबरदस्त कैच लिया है कवर्स में। तनवीर अहमद की तारीफ करें जितनी कम होगी यहां से, क्या शानदार पूर्वानुमान के साथ। फिलहाल देखना होगा स्कोर बोर्ड पे, थमा हुआ रन 7 रन इस समय 2 ओवर की समाप्ति के बाद। और अब देखना होगा पंचम गणेश अपने गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग से कितने मुतासिर करती है। आनंद धौलपुरे के रूप में बहुत बड़ा विकेट गंवा दिया अपने समय के बहुत ही नायाब खिलाड़ी। और फिलहाल स्कोरबोर्ड पे 7 रन, 2 प्रमुख विकेट गंवा दिए हैं इस समय। कमेंट्री बॉक्स में जुड़ रहे हैं हमारे साथी अरुण वर्मा जी। फिलहाल देखना होगा इस समय, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रही टीम लगातार। अतीक एक बार फिर से गुडलैंड शॉट पे गेंद टप्पा खाई, थोड़ी अपेक्षाकृत नीची रही, कट करने की कोशिश, और कितना बढ़िया प्रसारण देखिए आप रिप्ले में इस गेंद को, क्या जबरदस्त गेंद थी, बल्लेबाज को आगे खींच लाई, विवश किया,
संतोष नानेकर जी और उनकी पूरी टीम tenniscricket.in। और इसे बेचे समय बहुत अच्छा शॉट ऑन धरा, इसके अलावा एफर्ट देखने लायक, जबरदस्त फील्डिंग लॉन्ग ऑफ पे, तारीफ करनी होगी फील्डर की। और फिलहाल सिर्फ एक रन से संतुष्ट करना होगा बल्लेबाज को। 8 रन स्कोरबोर्ड पे, इनिंग का ये तीसरा ओवर, बहुत ही अनुशासित गेंदबाजी की झलक पेश कर रही है टीम पंचम गणेश क्रिकेट। उज्जैन क्रिकेट का एक समृद्ध इतिहास को संजोया हुआ इस टीम ने, कई बड़े टूर्नामेंट्स जीते पिछले सीजन। नौ फाइनल लगातार जीत कर आई है पंचम गणेश और ये रिकॉर्ड बनाया था। ये तमाम जानकारियां हमारे अमजद भाई टूर्नामेंट के अहम आयोजन समिति के किरदार अमजद भाई असलम शेख। मोहन बाथम जी और नितेश बाथम जी और पूरी युवा टीम, रितेश नागर जी, धनराज शर्मा जी, पूरी युवा टीम का हार्दिक अभिवादन। स्कोरबोर्ड पर नजर डाले, 9 रन इस समय पारी के तीसरे ओवर में। धीमी गति से बल्लेबाजी हो रही है, वजह साफ है, बहुत शानदार गेंदबाजी करती हुई टीम इस बार खेला इस समय मिड ऑफ पे, बहुत ही चपलता के साथ गेंद जब तक फील्ड की जाए। एक रन आता हुआ, इस एक रन के सहारे स्कोरबोर्ड पे नजर डाले, 10 रन इनिंग का ये तीसरा ओवर समाप्ति के बाद 10 रन बना लिए हैं। देखना होगा, पहले खेल रही है टीम पैराडाइज इंदौर। फिलहाल इस समय 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पे है मात्र 10 रन। रोमांच की दास्तान जारी रहेगी, लेकिन इस रोमांच के क्षणों का आपको दिलों तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ ही लोकप्रिय कमेंटेटर अरुण वर्मा जी का स्वागत है। थैंक यू विकास सर। हेलो, थर्ड बार चेक कर रहे हैं।
और बड़ा हिट लगाने की कोशिश, चांस बिल्कुल था लेकिन चांस पे ग्लांस नहीं कर पाए, बच गए। धीरे धीरे संख्या इस मैदान पर बढ़ती हुई दर्शकों की, क्योंकि पंचम गणेश का मैच चल रहा है। आगे निकलकर आए बल्ले का बाहरी किनारा, शॉर्ट कवर के खिलाड़ी आ रहे हैं और बहुत बड़ी सफलता, बेहतरीन कैच वहां पर तमजीद। इंपॉर्टेंट हिस्सा माने जाते हैं साइड स्क्रीन पे दिखते हुए मुंशी जी। मुंशी जी आपका भी बहुत स्वागत है, टूर्नामेंट में काफी सहयोग रहता है आपका। बार लीजिए बड़ा हिट लगाने की कोशिश और फील्डिंग पोजीशन पर असलम लाला अपनी जगह पर। पिछले साल का कैच तो आपको याद ही होगा दर्शकों, बहुत ही टूर्नामेंट का कैच ऑफ द टूर्नामेंट पकड़ा था असलम लाला ने, आज उनके पर निगाहें रहेंगी। इस बार पुल करने का प्रयास लेकिन टाइम नहीं कर पाए, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। और आपको बता दूं कि वैरायटी है इस गेंदबाज में कहीं ना कहीं, और तेज गति का गेंद फेंकते हैं, शॉर्ट पिच गेंदबाजी करते हैं, फुल लेंथ की डिलीवरी करते हैं, गुड लेंथ एरिया में गेंदबाजी ज्यादा करते हैं और आगे खिलाते हैं जिससे बैट्समैन चांस लेता है। वहां पर देखना दिलचस्प होगा, अगर रनआउट कर देते तो विराट कोहली का वो रनआउट याद आ रहा है मुझे, चीते की तरह झपटे थे वहां पर, लेकिन अगर विकेट मिल जाता तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट जरूर मिलता। चीज सागर मैदान पर यह बेहतरीन टूर्नामेंट चलता हुआ, और ये टूर्नामेंट ही नहीं मैं आपको बता दूं, ये एक त्यौहार है, ये उज्जैन का सबसे बड़ा त्यौहार फिरोजिया ट्रॉफी। और जैसे जैसे साल बढ़ते रहे इनामी राशि भी बढ़ती गई, 4 लाख रुपए मिलेंगे। फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन आज काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और होता है जब एक्सपीरियंस खिलाड़ी आपके पास होता है तो उसका अनुभव जरूर मिलता है, और असलम लाला का पूरा पूरा फायदा टीम को मिलता हुआ क्योंकि काफी क्रिकेट खेल चुके हैं। ओवर की समाप्ति हुई है, तीन विकेट के नुकसान पर। ओके, एक बार फिर से काफी कड़क शॉट, लेकिन सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। इस बार लीजिए डाउन द ग्राउंड, अपने फॉलो थ्रू में हाथ अगर टच कर देते निश्चित रूप से रन आउट मिल सकता था, जैसे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बार आशीष नेहरा ने अपनी उंगलियां लगा दी थी और विकेटों पर जाकर लग गई थी तो विकेट मिला था। धीरे धीरे अब स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ, लेकिन जिस तरीके से आज गेंदबाजी कर रही है टीम, तारीफ करना चाहूंगा, डिसिप्लिन की बहुत ही अच्छी टीम मानी जाती है पंचम गणेश की टीम,
काफी खिलाड़ी जो है डिसिप्लिन में रहते हैं। बीजिए नीची रही, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे, काफी घातक गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज समीर। और शॉट है और निश्चित रूप से दर्शक बनकर रह गए लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ फील्डर। एम्पायर माने जाते हैं पूरे भारत में, और अगर बाउंड्री लाइन के बाहर दर्शक एक हाथ से कैच पकड़ेंगे, नहीं माफ कीजिएगा, दो हाथ से पकड़ेंगे। और लीजिए हैशटैग कवर में लॉफ करना चाहते थे और तमजीद पठान का एक और बेहतरीन कैच। चलो घर ला हाथ से कैच दर्शक पकड़ेंगे तो 500 रुपए, और एक हाथ से अगर पकड़ेंगे तो भी 500 रुपए। संजू गए हैं, पिंटू 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे और मात्र 92 रन से अपने शतक से चूक कर आ रहे हैं। जीवन के पहले बना सकते थे, लेकिन देखना दिलचस्प होगा। और वाकई पंचम गणेश ने आज चैंपियन वाली क्रिकेट खेली है, पिछले साल की चैंपियन टीम, और आपको पता होगा कि 37 रनों की धाकड़ पारी मोनी बाबा ने खेली थी, और तमजीद पठान का वो छक्का भी याद होगा सबको। तो वैसी कुछ कारनामा दोहराने में अगर दोहरा पाएगी इतिहास, या कारनामा दोहराने में कामयाब रहेगी। और जो साजानंद गुजरात के खिलाड़ी थे वो इसी टीम से खेल रहे हैं, असलम लाला जी की टीम से। बार कट करने का प्रयास, टाइम नहीं कर पाए, बेहतरीन डिलीवरी। छह ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर रन है, माही माफ कीजिएगा, 5 ओवर 24 रन। चलिए लीजिए फिर से एक बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन टाइम नहीं कर पाए, और कुछ ना कुछ आत्मविश्वास की कमी थोड़ा दिखाई दे रही है माही पैराडाइज इंदौर की टीम में। और एक बेहतरीन एक्सपीरियंस खिलाड़ी अब दिखाई देते हुए डगआउट में, पप्पू बहुत ही रणनीतिकार माने जाते हैं, पूरे भारत में नाम चलता है इनका। और लीजिए शॉर्ट फाइल, एक पर कैच पकड़ने में ना कामयाब रहे। उसकी अखियां
लाए हैं बैटिंग पे कैफ, और मानना पड़ेगा डिसिप्लिन की अगर मैं बात कर रहा था तो जो अपना पंचम गणेश की टीम है और मुकाबला जो शुरू हुआ था वो 7:40 पे हुआ था और 8:03 हो चुके हैं और फटाफट ओवर किए हैं, 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे तो मैं बिल्कुल डिसिप्लिन की तारीफ करता हूं इस टीम की। और लीजिए क्या एक और सफलता हो सकती है, तमजीत पठानवाड़ा कैच पकड़ा बेहतरीन और आज तमजीत पठान ने 3 कैच लगे। चलो घर रोक, लेकिन ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई और कहीं ना कहीं आपको बता दूं थोड़ा सा रणनीति की कमी और अनुभवहीनता की कमी दिखाई दे रही है, लेकिन टीम काफी मजबूत है, प्लेयर काफी अच्छे, लेकिन अब थोड़ा सा आत्मविश्वास डगमगाया है माही पैराडाइज इंदौर का। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन जितनी तारीफ करूं इस गेंदबाज की उतनी कम। अनिकेत अपने पहले ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी की, विकेट निकाले और अपने दूसरे ओवर में भी घातक गेंदबाजी करते हुए। छठवां ओवर प्रगति पर, इस बार एक और बेहतरीन डिलीवरी। तो ओवर की समाप्ति हुई है, 6 ओवर की समाप्ति पर पैराडाइज माही इंदौर का स्कोर है 25 रन। और 7वां ओवर लेकर आए टीम के सबसे उम्दा गेंदबाज, और लीजिए वहां पर स्वागत किया है 7वें ओवर में क्या, और दर्शक कैच पकड़ लेते तो 500 रुपए मिलते, लेकिन किस्मत के अनलकी रहे। बार खेला पोल शॉट, काफी तेजी से फील्डर आ रहे हैं स्क्वायर लेग के, लेकिन मिड विकेट के फील्डर ने बॉल को पकड़ा, डीप स्क्वायर लेग पर थ्रो कर पाएंगे, बच गए वहां पर। बहुत ही अच्छी रनिंग विद इन द विकेट। और काफी शानदार मुकाबला, लेकिन बैकफुट पर धकेला है, जिस तरीके से आज एटीट्यूड दिखाया है और जिस तरीके से कल की गलतियों से सीखकर आज गेंदबाजी कर रही है टीम पंचम गणेश। बड़ा हिट एक बार फिर से लगाने की कोशिश, टाइमिंग मिस कर बैठे हमारे दोनों ही प्रमुख एम्पायर, सीनियर एम्पायर जय पवार सर और जानू चित्तौड़गढ़। और इस बार लीजिए लगता है खनक देखिए बल्ले की, शॉट तो काफी परफेक्ट था लेकिन एक ही रन मिलेगा। 7वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ, काफी बेहतरीन गेंदबाजी की है अभी तक। और इस बार लीजिए शॉट तो खेला लेकिन लॉन्ग ऑफ पर फील्डर गए और बिल्कुल विकेट के सामने जाकर गेंद को पकड़ा बाउंड्री लाइन पर,
लेकिन इक्का दुक्का से कोई काम बिगड़ने वाला नहीं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक एडवांटेज अभी तक टीम ले नहीं पाई है और पप्पू यही सोच रहे हैं कि उनकी बैटिंग अभी तक नहीं आई, नहीं तो कुछ भी वो कारनामा कर सकते थे पप्पू। सात ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर रन है 35 रन, 6 विकेट, माही पैराडाइज इंदौर। और इस मुकाबले को लगभग 1100 लोग मुकाबले को देखते हुए मैं सभी YouTube के माध्यम से जो भी दर्शक हैं मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत। आखिरी ओवर लेकर संजू आए हैं, और फाइनल पिछले साल बात करूं तो 1,28,000 लोगों ने देखा था। लॉन्ग ऑफ की तरफ बेहतरीन शॉट, एक लाख 28,590 लोगों ने लाइव देखा था मैच और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना उस दिन रत्नागिरी के टूर्नामेंट में। ब्रॉडकास्टिंग स्पोर्ट्स पार्टनर टेनिस क्रिकेट .in, तो क्या फाइनल के दिन यह रिकॉर्ड टूटने वाला है इस क्षीर सागर मैदान फिरोजिया ट्रॉफी 2023। और इक्का दुक्का से काम बिगड़ने वाला नहीं, आखिरी ओवर चल रहा है, सिर्फ 4 गेंदे बाकी हैं, स्कोर फ्रीज हो चुका है, 36 रन मात्र। इस बार लीजिए ड्राइव किया बहुत ही तेजी से, लेकिन क्या बात है, जबरदस्त फील्डिंग वहां पर। स्वागत नहीं करोगे हमारा? और शॉट है, और बताया कि किस तरीके से खेला जाता है, लेकिन आउट हो जाएंगे। और इसी तरीके के अगर ऊपर से छक्के लगाते तो निश्चित रूप से एक बड़े स्कोर तक पहुंच सकती थी टीम, एक और सफलता। और आखिरकार टीम के सबसे उम्दा और ताबड़तोड़ बल्लेबाज पप्पू जा रहे हैं बहुत ही लंबे लंबे छक्के लगाने में, ऑलराउंडर माहिर है। पप्पू लंबे लंबे छक्के लगाने में माहिर, लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा, दुनिया को क्या पता कि आप कितने बड़े बैट्समैन हैं। और लीजिए बोल्ड क्या है वहां पर पप्पू को, लौट चलो दिवाकर गए हैं, हैट्रिक चांस, क्या टूर्नामेंट की
दूसरी हैट्रिक बना पाएंगे या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। और एक ही बॉल है उनके पास जो हैट्रिक बनवा सकती है, देखते हैं। इस बार लीजिए हैट्रिक, ऑन हैट्रिक थे लेकिन चूके, लेकिन फील्डर मिड विकेट पर, डीप मिड विकेट पर पकड़ा मिड विकेट के फील्डर ने, अच्छी फील्डिंग। तो चलिए ओवर समाप्त हो चुके हैं, टोटल जीत के लिए बनाने हैं 40 रन, जल्दी से फील्डिंग लगा लें फटाफट। पैराडाइज माहित इंदौर, और हेलो, और तारीफ करना चाहूंगा पंचम गणेश की कि आपने 30 मिनट में मुकाबला खत्म किया है, 40 मिनट में करना था लेकिन आपने 35 मिनट 30 मिनट लिए हैं, और बहुत ही जबरदस्त आपने एटीट्यूड प्रस्तुत किया, स्वागत है आपका।
अपना ट्वेल्थ मैन भेज दे कमेंट्री बॉक्स में प्लीज। पैराडाइज इंदौर मोनी बाबा और नदीम दीवान दो जाने पहचाने चेहरे इस समय मध्य प्रदेश क्रिकेट के। आरिफ अली भी इनका मूल नाम है लेकिन मोनी के नाम से क्या गजब की लोकप्रियता मकबूलियत इस खिलाड़ी ने अर्जित की है। कई बड़ी पारियां इनकी यादों में है। नाम है आरिफ अली, मोनी के नाम से जाने जाते हैं। नन स्ट्राइकिंग शोर पे है और दूसरी तरफ है इस समय नदीम दीवान और पहला ओवर लेकर के पप्पू इस समय। पप्पू एक बेहतरीन खिलाड़ी है, देखना होगा। शानदार टीम संचालित करते हैं। मिड ऑन मिड ऑफ एक शॉट एक्स्ट्रा कवर एक मिड ऑफ के अलावा एक कवर का खिलाड़ी एक लॉन्ग ऑन डीप में है पावर प्ले में। असलम शेख, अमजद लाला, मोहन बाथम और साथ ही साथ नितेश बाथम माननीय सांसद जी के संरक्षण में ये टूर्नामेंट अपने सार्थकता के नए शिखर की तरफ। एक बार फिर से मैं विकास आप सबका हार्दिक अभिवादन। पहली गेंद डॉट हुई, रबल स्वीप की कोशिश, बाकी का कार्य किया विकेट कीपर ने। इस ओवर में अगली बार इस बार शरीर से टकराई, रिवर्स हिट लगाने की कोशिश नदीम दीवान की लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे इस समय पप्पू, तारीफ करनी होगी पप्पू की। देखना होगा महज एक बात करें 40 रन बनाने हैं। अनिल फिरोजिया जी की इच्छा शक्ति, खेल के प्रति लगाव और उनके समर्पण को सलाम है। हाल ही में सांसद ट्रॉफी भी उन्होंने एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट कराया था। और यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी की भी सोच है कि लगातार हर सांसद अपने क्षेत्र में आयोजन कराए। और जब अनिल फिरोजिया साहब जैसा व्यक्तित्व जो खेलों से जुड़ा हो, और कल हमारे बीच दिल्ली के सांसद और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर गौतम गंभीर जी ने मंच की शोभा बढ़ाई। आपको बताते हैं उज्जैन जो कि उत्सव की नगरी है, महाकाल की, एक धर्म और आस्था का बड़ा केंद्र, अब खेल के मानचित्र पे भी पहचान बनाया है। सांसद जी ने यूसीएल यूपीएल सांसद ट्रॉफी और अब फिरोजिया ट्रॉफी नाम का एक खूबसूरत आयोजन। इस बार यह शॉट समय बांफ्रो लाइन की तरफ आसमान की ऊंचाइयों को चुनौती देता हुआ स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। स्वागत नहीं करोगे हमारा। खूबसूरती से पंचम गणेश की टीम की कप्तानी कर रहे हैं ये। और आज तो कप्तान सिना तानकर सामने से उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लेकर के, यह आवाज रेडियो और टेलीविजन पे भी आप सुन चुके हैं। पिछले टोक्यो ओलंपिक नेशनल गेम्स, इस बार की खेलो इंडिया स्टार स्पोर्ट्स पे भी मैं विकास आप सबका हार्दिक अभिवादन। इस बार गेंद को खेला इस समय आगे की गेंद मिड ऑफ की तरफ और वो पिच थी हाफ बॉले पर लेकर के, बढ़िया फील्डिंग इस समय बगैर किसी रन की पारी का। यह पहला ओवर चुनौती मात्र 40 रन की है मुकाबले को जीतने के लिए। और इस बार देखना होगा शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी है लीडिंग एज लेकर के, बड़ी कामयाबी। कप्तान पवेलियन में जाएंगे, चतुराई से पप्पू ने गेंद को थोड़ी धीमी गति से रखी और कामयाबी दिलाई अपनी टीम के लिए पहली। छह रन एक विकेट के नुकसान पे विकेट गवाया कप्तान इस समय नदीम दीवान का। अभी आने वाले कई बड़े मुकाबले और प्रदेश ही नहीं देश के तमाम बड़ी टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत करेगी।
नए बल्लेबाज आए हैं खेलने, लेदर बॉल से भी उज्जैन की संभाग की तरफ से खेल चुके हैं और बहुत ही क्लास प्लेयर के तौर पे अपनी पहचान रखते हैं। नाम है अर्पित शर्मा, निकनेम गूल के नाम से, 2 साल भोपाल शहर में भी NCCC क्रिकेट एकेडमी से भी खेल चुके और कई बार इनकी अच्छी पारियां यादों में रही है। अर्पित शर्मा साथ देने आए हैं इस समय मोनिका। पहले ओवर की बात करें इस समय 6 रन अभी भी स्कोर बोर्ड पे। देखना होगा इस समय गेंदबाजी के मोर्चे पे आए हैं कुंदन और स्ट्राइक लेंगे पहली मर्तबा इस मैच में। नाम है मोनी। मोनी का बल्ला आते से ही जयघोष करता हुआ बहुत ही खूबसूरती से 6 रन के लिए। मोनी का बल्ला आते सही आक्रामक अंदाज में हर जोन में खेलने की सलाहियत रखते हैं। 4 रन के लिए नॉट आउट की दिशा से बहुत ही शानदार इस समय खेल 16 रन। मोनी का बल्ला इस बार बल्ले का बाहरी सिरे से टकराई खिलाड़ी बुस और बहुत ही जबरदस्त संघर्ष लेकिन आखिरकार गेंद रेस जीती है। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। रोमांचक क्षण और इस बार गेंद जब तक फील्ड की जाए इस समय शॉर्ट थर्ड मैन पे मोनी उस बल्लेबाज का नाम है। पूरे मालवा क्षेत्र का ये चमकता स्टार कई बड़े मैचों में मुझे याद है बिस्ला का टूर्नामेंट हो या फिर महापौर ट्रॉफी भोपाल का क्या जबरदस्त पारियां इनकी रही है। मोनी बल्ला जय घोष कर रहा एक बार फिर से 6 रन के लिए बहुत ही टिपिकल अंदाज में शानदार छक्का। क्षेत्रों में मोनी इस बार जरूर टॉप एच लगा बल्ले का और आखिरकार इससे आक्रामक तेवर को थमने पे मजबूर कर दिया इस बार गेंदबाज ने। 26 रन स्कोर बोर्ड। अब जीतने के लिए महज यहां से 14 रन की आवश्यकता। 6 ओवर का अभी भी खेल आना बाकी। 2 ओवर 26 रन। नए बल्लेबाज आए हैं खेलने के लिए शाहरुख विश्व मैदान में। समय हमारे स्कोरर
मनीष गर्ग और पूरी टीम प्रसारण की और ये आयोजन कि हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय सांसद जी जिनके संरक्षण में अनिल फिरोजिया साहब और स्वर्गीय श्री भूरेलाल फिरोजिया जी के स्मृति में आयोजन सामाजिक कार्यों में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्वर्गीय श्री भूरेलाल फिरोजिया जी की स्मृति को हम जीवंतता के रूप में याद कर रहे हैं, उनकी कार्य कुशलता को। साथ ही साथ मंच पर विराजित थे अमजद लाला जी, असलम शेख जी आयोजन में अहम किरदार, और साथ ही साथ इस आयोजन में नितेश बाथम जी, मोहन बाथम जी, पूरी युवा टीम। इस बार स्ट्रेट बल्ले से खेला, बिल्कुल सीधे बैट से। जब आप पारी की शुरुआत करते हैं तो हर एकेडमी में भी ये सीख दी जाती है कि जितना हो सके वी में खेले जब पारी की शुरुआत कर रहे हो, और जैसे जैसे निगाहें जम जाए उसके बाद बॉल आपको प्रॉपर दिखने लगे फिर आप मन मुताबिक शॉट खेल सकते हैं। मैच 13 रन चाहिए जीत के लिए। स्ट्राइक लेने के लिए बल्लेबाज शाहरुख। खेल दिया इस बार शाहरुख ने लॉन्ग ऑन की तरफ स्ट्रेट बल्ले से, एक वापस से डीप लॉन्ग ऑन पे हल्के से मिस फील्ड, और दोनों बल्लेबाजों की निगाहें निगाहों में बातें हुई और दूसरा रन भी मुकम्मल किए। इन दो रनों के सहारे स्कोर में इजाफा होता हुआ 29 रन, अब सिर्फ 11 रन चाहिए। पंचम गणेश होम टीम है, जीत की तरफ अब धीरे धीरे पंचम गणेश बढ़ती हुई सफर। पूरे भारतवर्ष में फिरोजिया ट्रॉफी की अलग पहचान है। और लगातार टेनिस क्रिकेट .in पे सीधा प्रसारण इस टूर्नामेंट का देश दुनिया में। धीरे धीरे यह आयोजन एक के उज्जैन जो कि धार्मिक आस्था का केंद्र है पूरी दुनिया में और खास करके भारतवर्ष में, बाबा महाकाल की नगरी है और अब खेल के मानचित्र पे भी लाखड़ा किया है अनिल फिरोजिया जी ने। फिलहाल अब सिर्फ 10 रन की दरकार जीतने के लिए। अगली दोनों टीमें तैयार रहेगी। अभी राइडर्स नासिक के कैप्टन आ जाएं, सुमेर भाई से मिले। और ये शॉट देखिए क्या कहने, इस बार नाम है अर्पित शर्मा। अर्पित ने समर्पित किया इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से आसमान की ऊंचाई को मानो भेजता हुआ शेरन के लिए। नासिक वर्सेस ये मुकाबला, बात करें दूसरी तरफ माही की टीम भिड़ेगी राजस्थान की, और उसके बाद आखिरी मुकाबला पंचम गणेश वर्सेस बात करें ऋतुजा महाकाल राजस्थान, यानी होम टीम का भी मुकाबला बाकी है। इस मैच के बाद एक बार और भिड़ती नजर आएगी टीम पंचम गणेश। और इस बार अर्पित ने कट किया गेंद को खाली क्षेत्र में बाउंड्री लाइन की तरफ, आउटफील्ड बहुत तेज है और गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए जीत सुनिश्चित कर ली। मैच बताएं, इस मैच के मैन ऑफ द मैच महज 2 सेकंड के अंदर में हमारे स्कोरर कैलकुलेट करते हुए। इमरान गुरु जी आ जाए, इमरान गुरु और दोनों अंपायर हमारे जय पवार सर, बहुत ही जबरदस्त अंपायरिंग, और जानू खान जी कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। मैच के मैन ऑफ द मैच हैं अनिकेत
जोरदार तालियां अनिकेत के लिए। और चलते हैं प्रेजेंटेशन में मेरे साथी अरुण वर्मा जी के पास। फिलहाल उससे पहले टॉस, विकास जी क्या किया है उन्होंने ये बताएं। तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच है अनिकेत, जिन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, और टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी असलम लाला जी, काफी चेहरे पर उनके मुस्कान आई है काफी दिनों में। मैन ऑफ द मैच देते हुए काफी जबरदस्त गेंदबाजी की, और यंगस्टर है और काफी भरोसा करते हैं टीम के कप्तान पंचम गणेश के, और मैन ऑफ द मैच मोहन बाथम जी और अमजद लाला, दोनों ही हमारे पंचम गणेश आयोजन समिति के वरिष्ठ मैन।